तो लिबरेटी फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोरफ्लक्सासिन टेबलेट के बारे में, जानेंगे इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट व प्रिक्योशन के बारे में। दोस्तों, नोरफ्लक्सासिन टेबलेट एक क्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है, जिसका उपयोग बहुत सी बीमारियों व इन्फेक्शन में किया जाता है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है तथा इन्फेक्शन से आराम दिलाती है। इस टेबलेट का यूज UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, जिसमें पेशाब में जलन, वाइट डिस्चार्ज होना, पेशाब रुक रुक कर आने लगता है। इसके साथ ही प्रोस्टाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें मेल में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी साइज लार्ज हो जाती है। गोनोरिया, जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ये महिलाओं व पुरुषों में दोनों में होने वाली एक बीमारी है। बैक्टीरियल डायरिया या दस्त में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही नोरफ्लक्सासिन के साथ लैक्टिक एसिड को भी ऐड किया जाता है, जो दस्त रोकने में फायदेमंद है। महिलाओं में जेनेटियल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का यूज करते हैं, जिनमें महिलाओं के जननांगों में वाइट डिस्चार्ज व पेशाब में जलन की समस्या बनी रहती है। इस टेबलेट का यूज डॉक्टर किडनी इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन में भी करते हैं। यह एक UTI के लिए बेहतरीन टेबलेट है। दोस्तों, मार्केट में इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो नोरोक्सिन, नोरबेक्टिन ब्रांड नेम पाए जाते हैं, लेकिन सब में कंटेन नोरफ्लक्सासिन ही पाया जाता है। यह टेबलेट 200 mg, 400 mg और 800 mg फॉर्म में उपलब्ध है। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिन पेन, सीने में जलन जैसी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही इसके कई सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो मस्कुलर प्रॉब्लम, टेंडन व फाइबर मसल्स पेन होना, या फिर इस दवा का अधिक इस्तेमाल करने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या आजीवन रह सकती है। ऐसी समस्या दवा को लेने पर दिखे तो दवा को बंद कर देना चाहिए व डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टेबलेट का उपयोग डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए, स्वयं से इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट डोज 400 mg टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद दी जाती है। और सावधानी में देखें तो इस टेबलेट का यूज प्रेगनेंसी व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं करना चाहिए। साथ ही मांसपेशियों से संबंधित किसी को बीमारी है या मस्तेनिया ग्रेविस या न्यूरोपैथी समस्या रहती है तो इस टेबलेट का यूज डॉक्टर की सलाह है के बगैर बिल्कुल नहीं करें। इस टेबलेट का यूज एंटा एसिड दवा, आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन दवा या दूध डेयरी प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। टेबलेट का यूज करने से पहले 1 या 2 घंटे का गैप होना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें।